हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे हम अपने विजन आईएएस की करंट अफेयर की मैगजीन को कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए लेकर आए हैं गवर्नमेंट स्कीम्स का टॉपिक। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो स्कीम्स एंड न्यूज़ देखेंगे इसके अंदर हम, एक ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। कहता है भाई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0, ये थर्ड फ्रेज आ गया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का। न्यूज में इसीलिए रहा है क्योंकि थर्ड फेज को लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब भाई इतना तो समझ लिया, बैकग्राउंड में चलते हैं। ये आखिरकार 3 आया है तो आखिरकार 1 और 2 में क्या रहा होगा, पहले ये समझ लेते हैं। तो पहला वर्जन जब हम जवान हुआ करते थे तब लॉन्च हुआ था 2015 में, और 2015 में इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि हम जो यंग लोग हैं, यूथ हैं, उसे हम स्किल डेवलप उनका करें, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट करें कंट्री में, और कुछ वक्त की ट्रेनिंग देके स्किल डेवलपमेंट किया जा सके, ताकि भाई ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद कुछ मॉनेटरी रिवॉर्ड्स वगैरह भी थे सर्टिफिकेट के साथ में, ताकि लोग और इंकरेज हो इस ट्रेनिंग को करने में और बाद में वो एम्प्लॉयमेंट पा सकें। तो मेन इसका मुद्दा यही था, और कोशिश ये थी, एम ये रखा गया था कि हम 24 लाख लोगों को इसके अंदर ट्रेनिंग देंगे, और एक बार वो कंप्लीट कर लेंगे सक्सेसफुल ट्रेनिंग तो उनको 8,000 रुपये का मॉनेटरी बेनिफिट मॉनेटरी रिवॉर्ड के तौर पे भी देंगे। खैर अच्छी भी रही, और 19.85 लाख कैंडिडेट ने इसके अंदर ट्रेनिंग भी करी। फिर आया 2.0, एक बार सक्सेसफुल इसकी दोबारा फिर लॉन्च करी गई 2016 से लेकर 2020 तक के लिए। ये आया इसी का 2.0, इसको लॉन्च करा गया बाय स्केल अप सेक्टर्स, जियोग्राफीज एंड बाय ग्रेटर अलाइनमेंट। अब कैसे करा गया कि हम और सारे मिशन और प्रोग्राम जो सरकार के चल रहे हैं, जैसे कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, अब हम इसको इसके साथ अलाइन करके चले। जैसे ODF आया था, ओपन डेफिकेशन फ्री जो स्कीम आई थी भाई, उसको ये था हमारा एम, पहला अलग था, फिर ODF प्लस आया, फिर प्लस प्लस आया, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से ये भी थोड़ा थोड़ा अपग्रेड होने लग गई। अब इसको था कि सरकार की और स्कीम के साथ भी हम इसको अलाइन करके चले। स्कीम को 1 साल के लिए एक्स्ट्रा एक्सटेंड करा गया, जो कि स्किल देने के लिए माइग्रेंट वर्कर्स को जो इधर से उधर जाके काम करते हैं। अब बात आती है मुद्दे की कि भैया इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और आखिरकार इसके फीचर्स क्या हैं। तो ऑब्जेक्टिव तो ये कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना यंग लोगों के लिए, यूथ के लिए, कि उनके पास चॉइसेस हों कि उन्हें कौन सी स्किल में अपने आप को आगे बढ़ाना है, ठीक है। दूसरी बात ये सपोर्ट देना यूथ को स्किल ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन के लिए, ठीक है, उनको सपोर्ट मिल रहा है ना, उनको स्किल ट्रेनिंग मिल रही है, उनको सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो आगे इसका यूज कर सकते हैं। तीसरा ये कि इससे सस्टेनेबल स्किल सेंटर्स वगैरह प्रमोट होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर भी इसके अंदर आएगा, और प्राइवेट सेक्टर भी कोशिश करेगा कि वो स्किल डेवलप करे। और चौथा ये फायदा कि करीब 8 लाख जो यूथ हैं वो इस स्कीम के अंदर पीरियड 2020 से लेकर 21 तक आ जाएंगे। तो ये कुछ है फायदा 3.0 के अंदर। अब फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स ये है कि जो बेसिक प्रिमाइस है इस स्कीम की, ये है कि भैया देखो समझ में आ ही रहा है, स्किल को डेवलप करना है, और एक सर्टिफाइड वर्कफोर्स हमारे पास आएगी जो ना ही सिर्फ हमारे देश की बढ़ोतरी में, देश की ग्रोथ में हेल्प करेगी, बट साथ ही साथ कंट्री को एक ग्लोबल स्किल कैपिटल भी बनाएगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश की जो यंग पॉपुलेशन है, जो यूथ है, वो बहुत ज़्यादा है। हमारा यंग पॉपुलेशन का रेशियो किसी भी कंट्री से बहुत ज़्यादा है। तो अगर हमारे यहाँ के सारे यंग लोग स्किल में, स्किल डेवलपमेंट उनका हो जाता है, तो फिर तो हम तो सर्वे सर्वा हो जाएंगे, बिल्कुल मतलब एकदम बॉस की तरह चलने वाले हैं। तो मेजर फोकस यहाँ पर रहेगा कि स्किलिंग करना, रीस्किलिंग करना, ठीक है, स्किलिंग करना कि आपको नहीं आता है तो आपने करा, रीस्किलिंग करना आपको आता था, अब आपको फिर से जो है थोड़ा उसमें पॉलिशिंग की जरूरत है, तो रीस्किलिंग करना, और फ्यूचर रहता है मेन का मेन फोकस रहेगा फ्यूचर स्किल्स के लिए, समझ रहे। तो मतलब इंडस्ट्री 4.0, अभी इन्होंने बहुत लंबा सोची चला हुआ है, ठीक है, जो भी कोर्सेज प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं एग्जिस्टिंग वर्क फोर्स की, वो सारे कोर्सेज इन लोगों को, ऐसे लोगों को कराए जाएंगे। दूसरा ये है कि प्रोविजन है इसमें एड ऑन बैच कोर्सेज की और लैंग्वेज कोर्सेज की भी। देखो लैंग्वेज कोर्सेज करा दोगे, कुछ एड ऑन बैच कोर्सेज करा दोगे, तो इससे क्या होगा कि अब ये इंटरनेशनली भी स्कीम हो गई। भाई हमारे पास कोई कुछ नहीं थी स्किल, हमने करा स्किल हमारे पास हो गई, लेकिन अब हमको ये जो है जो काम है वो इंडिया से अच्छा हमें फॉरेन में भी जॉब मिल सकती, तो हमने वहाँ की लैंग्वेज भी सीख ली, तो हम वहाँ ये काम करने लगे। तब कहा अरे बाबा ये क्या बात होती, इंडिया वालों ने सिखाया, बाहर से लेकर, नहीं ऐसा नहीं है, बाहर से तुम कुछ भेजोगे ना, फॉरेन रेमिटेंसेस आएंगे ना, तो वो भी इंडिया का ही प्रॉफिट है। तो इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हमारे यहाँ का यूथ वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। तीसरी बात, ऑनलाइन और डिजिटल मोड ऑफ ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, वाइडर कवरेज हो जाए। भाई गाँव में बैठा हुआ है वो थोड़ी ना
शहर आएगा 200 किलोमीटर रोज, है ना, वो वहाँ रहेगा, टैबलेट उठाया, इंटरनेट लगाया और चलाया, उसके बाद देखना शुरू कर दिया, अच्छा अच्छा ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो डिजिटली काम करा जाएगा। उसके बाद प्लानिंग फॉर्म बिलो, प्लानिंग आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करनी है। अब ये नहीं है स्टेट लेवल, यूपी में हो रही है ट्रेनिंग, गाँव में बेचारे जो डिस्ट्रिक्ट वाले हैं, जो छोटे वाले लोग हैं, उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया, तो ऐसा नहीं करना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से प्लानिंग करनी है। उसके बाद फिर प्रॉपर तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ना है। उसके बाद स्किल गैप सर्वे एंड एनालिसिस ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। अब देखो, देखा है कि एनालिसिस करते रहना है कि क्या जरूरत है इंडस्ट्रीज की, किस हिसाब से इनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, कैसी डिमांड है, उस हिसाब से इनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, तो मतलब इन सब चीज़ों का ध्यान देना भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद है कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन होगा इसके अंदर, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के अंदर, ठीक है। इससे क्या होगा कि ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज वगैरह की और ज़्यादा बढ़ेगी, साथ ही साथ यहाँ पे क्रॉस यूटिलाइजेशन, जो भी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है अवेलेबल हमारे पास, उसमें हम क्या करेंगे, ग्रेटर क्रॉस यूटिलाइजेशन होगा अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर का, यूनिवर्सिटीज़ के साथ, कॉलेजेस के साथ, आईटीज़ के साथ, आपका पॉलिटेक्निक से काफ़ी कोर्स करते हैं उनके साथ में, स्कूल्स वगैरह के साथ भी, साथ ही साथ प्रेफरेंशियल टारगेट रेगुलेशन होगा, सॉरी एलोकेशन होगा। ये कैसा करेगा, देखिए यहाँ पे जैसा जिस हिसाब से है उस हिसाब से टारगेट करेंगे हम, जैसे कि आप कह लीजिए ये करा जाएगा फॉर एस्पिरेशनल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, हिली रीजन्स के लिए, कोई भी दूसरे जो फोकस डिस्ट्रिक्ट रीजन हैं, ये सरकार जिसे आइडेंटिफाई करा हुआ है, आप जानते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वगैरह मैंने सब कुछ पढ़ाया है अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के सीरीज में, यू कैन गो एंड चेक इट आउट, दैट इज कंप्लीटली डन ऑल्सो। तो आप इन सबको यहाँ पे ये जो टारगेट करेगी सरकार, वो यहाँ पे उस अपने हिसाब से उस हिसाब से करेगी, साथ ही साथ यहाँ पे पैसा, पैसा बहुत ज़रूरी होता है किसी भी जगह के लिए। फ्री में तुम ट्रेनिंग क्या, तुम सोना खिलाओगे लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे, बाद में कुछ नहीं हो सकता है तो कोई नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे मॉनेटरी रिवॉर्ड दिए जाएंगे यूथ को, आपका जब आप स्किल सर्टिफिकेट पा लोगे तो उसके बाद आपको मॉनेटरी रिवॉर्ड्स भी दिए जाएंगे। साथ ही साथ ये जो 3.0 है, इसका एम ये है, फ्रेज वाइज इंट्रोडक्शन होगा वोकेशनल कोर्सेज का स्कूल करिकुलम के अंदर। अब देखिए स्कूल के लेवल पे अगर वोकेशनल कोर्सेज चला दिए जाते हैं तो बच्चे नीचे से ही अपने बेस से ही काफ़ी मजबूत हो जाते हैं, तो यही चीज़ है कि इसमें फ्रेज वाइज यहाँ पे वोकेशनल कोर्सेज स्कूल के अंदर जो है स्कूल करिकुलम के अंदर डाले जाएंगे, और साथ में साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ इसमें कोऑर्डिनेशन रखा जाएगा। भैया इंप्लीमेंट करना है तो भाई टेक्निकल सपोर्ट वगैरह पाने के लिए अच्छा सपोर्ट स्कीम देगी, और उसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन साथ देगी, और स्कूल लेवल पर हम इसको लागू कर देंगे। उसके बाद ट्रेनिंग टारगेट के इसका फीचर ये है कि भाई देखो ये जो रहेगी 3.0 वाली, ये एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है, और ट्रेनिंग टारगेट जो है वो डायनेमिकली फिक्स करा गया है एज पर रिकमेंडेशंस ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी, और स्टीयरिंग कमेटी के अंदर जो सॉरी रिकमेंड करा जाएगा जो भी स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा, और स्टीयरिंग कमेटी के अंदर जो है वो MSDE एक अपेक्स लेवल पे रहेगी। उसके बाद यही आपकी जो भी फॉर्मेशन के लिए, ब्रॉड पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए इसका अच्छा खासा रोल रहेगा, हाँ ठीक है, MSDE मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो ये स्कीम जो है वो दो कंपोनेंट में, यहाँ पे जो है इसके जो है पास दो कंपोनेंट होंगे। पहला तो ये होगा कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेंट्रली मैनेज्ड, यहाँ देखिए इसे कहेंगे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेंट्रली मैनेज्ड। ये कैसे है कि जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल कंपोनेंट, ये सेंट्रल कंपोनेंट रहेगा, सेंट्रल स्पॉन्सर करेगी और सेंट्रल मैनेज करेगी, सेंट्रल कंपोनेंट हो गया। इसे इंप्लीमेंट करा जाएगा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा, NSDE के द्वारा, जो सेंट्रल वाला है, ठीक है। और दूसरा जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड बट इसके स्टेट मैनेज, इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एंड स्टेट मैनेज, या सेंट्रल स्पॉन्सर करेगा लेकिन स्टेट मैनेज करेगी, इसे हम लोग कहेंगे स्टेट वाला कॉम्पोनेंट, ठीक है। ये इंप्लीमेंट करा जाएगा बाय द स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन, जिसे हम लोग SSDM कहते हैं, या फिर जो भी डिपार्टमेंट वगैरह स्टेट UTs के जो भी होंगे। अब उसके बाद बात करते हैं स्कीम के कंपोनेंट्स क्या रहेंगे। तो देखिए इसके अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी जाएगी, और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग जो है वो इम्पार्ट करी जाएगी स्कूल्स कॉलेज ड्रॉपआउट्स के लिए या अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं उनके लिए। साथ ही साथ ट्रेनिंग को कैरी आउट करा जाएगा जैसे कि स्किल नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से यहाँ पे ट्रेनिंग को करवाया जाएगा, और जो सक्सेसफुली सर्टिफाइड कैंडिडेट हैं इनको यहाँ पे प्लेसमेंट भी दिया जाएगा, समझ रहे हैं ना, और या फिर एंटरप्रेन्योरशिप या फिर एप्रीहेंटेंशिप असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि तुमको ट्रेनिंग कर दी तुमको भगा दिया, प्लेसमेंट्स वगैरह की भी यहाँ पे चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छा है ये। दूसरी बात
कंपोनेंट ये है इसका कि रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। देखिए इंडिविजुअल जिनकी प्रायर लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है या आप कह सकते हो स्किल्स वगैरह जिनके पास हैं वो और एक्सेस करी जाएंगी और सर्टिफाइड करी जाएगी इस कंपोनेंट के अंदर। इसका एम क्या होगा समझिएगा, इसका एम ये होगा कि जो भी कॉम्पिटेंसीज हैं इन्हें अलाइन करना जो भी अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स की हैं हमारे देश के अंदर टू NSQF। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मेन एम ये रहेगा जैसे कॉम्पिटेंसीज का मतलब होता है कि भाई ये लोगों की एबिलिटी या स्किल जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है वो स्किल है उनके पास में और वो अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स है, मतलब कहीं पे रेगुलेट नहीं करे गए हैं या ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के किसी भी अंदर ये नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी जो वर्कफोर्स है उसकी जो जो भी एबिलिटी है उसे प्रॉपर अलाइन करना हमारे कंट्री के अंदर टू दी NSQF। NSQF का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंदर, ठीक है। अब स्पेशल प्रोजेक्ट्स वगैरह भी इसके अंदर कुछ है, जैसे कि ये कंपोनेंट जो है ये उन प्रोजेक्ट्स के लिए है जिनमें कुछ डिविएशन की जरूरत होती है फ्रॉम द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। डिपेंड करेगा स्पेशल नीड्स क्या है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी डेमोग्राफी एंड सोशल ग्रुप। आसान शब्दों में समझाती हूँ, ये कंपोनेंट इसलिए बनाया गया है, जो स्पेशल प्रोजेक्ट्स वाला स्कीम है ये इसलिए बनाया गया है, वो सारे प्रोजेक्ट इसके अंदर आएंगे जिनमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो पूरी स्कीम के जो समझ लीजिए ये स्कीम के अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे एरिया हैं कुछ ऐसे पॉपुलेशन है कुछ ऐसे डेमोग्राफी है कुछ ऐसे सोशल ग्रुप है जहाँ पे ये सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन लागू नहीं हो सकते, तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन इसमें से हम डिबेट कर सकते हैं, कुछ आगे पीछे कर लिया जाए ये हो सकता है इसके अंदर। देखिए वही वाला ना कि एक सबका सबको एक ही चीज़ फिट नहीं होती, ठीक है, वन साइड फिट्स फॉर ऑल वाला सीन नहीं हो सकता, तो ऐसे ही जिस ग्रुप जिन जियोग्राफिकल एरिया या जिन भी सोशल ग्रुप के हिसाब से कुछ चेंजेस की ज़रूरत है तो वो भी इसके अंदर किया जाएगा स्पेशल प्रोजेक्ट्स के अंदर। अब यहाँ पे ब्रांडिंग की बात करें तो इसका मेन एम ये है कि ग्रेटर विजिबिलिटी दी जाए, ठीक है, कम्युनिकेशन जो है जो स्कीम का है वो प्रॉपर तरीके से लोगों तक पहुंच सके। उसके बाद एक कैंडिडेट यहाँ पे जो है एनरोल कर सकता है, दो बार से ज़्यादा नहीं कर सकता, बट ट्रेनिंग के लिए मतलब अगर आपको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर ट्रेनिंग करनी है तो आप दो बार से ज़्यादा एनरोल नहीं कर सकते खुद को सेम सेक्टर में, ठीक है। तो सेकेंड टाइम होगा ये हायर टू बी फॉर अ हायर NSQF अलाइंड जॉब रोल ओनली। देखिए एक बार तो आपने कर लिया सेम सेक्टर में ट्रेनिंग कर ली, लेकिन जो सेकेंड टाइम आप ट्रेनिंग करोगे ये आप थोड़ा हायर वाला नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंदर आओगे, ठीक है, ये समझिएगा। या फिर फ्रेश ट्रेनिंग आप डिफरेंट कोर्सेज की अगर कर रहे हो स्कीम के अंदर तो दो बार से ज्यादा नहीं कर सकते। उसके बाद इसके अंदर ये है अनस्पेंट बैलेंस ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 में भी यूटिलाइज फॉर 3.0, मतलब जो पैसा 2.0 वाले में नहीं खर्चा हो पाया है उसे हम 3.0 वाले में खर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है ये कंप्लीट, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल सरफाई एस, एंड इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन वॉच दिस वीडियोस ऑन फेसबुक ऑल्सो, जस्ट लाइक द पेज सरफाई एस एंड वॉच दिस वीडियोस देयर। अलॉन्ग विद दिस इफ यू वांट टू जॉइन माय मेंबरशिप एंड एंजॉय द वेरियस पर्क्स, जस्ट प्रेस द जॉइन बटन एंड एंजॉय द वेरियस पर्क्स। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।